छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ढोलकाल पर्वत श्रृंखला। ढोल के समान आकृति की वजह से इसका नाम ढोलकाल पड़ा। यहाँ करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर भगवान गणेश की दुर्लभ प्रतिमा विराजमान है। एक हाथ में फरसा, एक हाथ में टूटा हुआ दांत, अक्षमाला और एक हाथ में मोदक भी है। खास बात यह भी है कि भगवान गणेश की ये दुर्लभ प्रतिमा आयुध रूप में विराजित है। बप्पा यहाँ ललितासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। ऐसी प्रतिमा बस्तर के अलावा और कहीं नहीं दिखाई देती है। बस्तर के विशेष जानकार हेमंत कश्यप के मुताबिक ऐसी पौराणिक कथा प्रचलित है कि ढोलकाल शिखर पर भगवान गणेश और परशुराम का युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान गणेश का एक दांत टूट गया था। इसके बाद ही भगवान गणेश एक दंत कहलाए। इस घटना की याद में ही छिंदक नागवंशी राजाओं ने शिखर पर गणेश की प्रतिमा स्थापित की। परशुराम के फरसे से भगवान गणेश का दांत टूटा था, इसलिए पहाड़ के नीचे बसे गांव का नाम फरसपाल रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव से मिलने नंदीराज पर्वत में परशुराम जी आए थे। उस समय गणेश जी पहरेदारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव से मिलना है, लेकिन गणेश जी ने कहा कि वे अभी तपस्या लीन है और वे अभी किसी से नहीं मिलेंगे। इस बात को लेकर विवाद हुआ और ये बात युद्ध तक पहुंच गई। दक्षिण बस्तर के भोगा जनजाति आदिवासी परिवार अपनी उत्पत्ति ढोलकट्टा ढोलकाल की महिला पुजारी से मानते हैं। सबसे पहले ढोलकाल पर्वत में चढ़कर भोगा जनजाति की महिला ने ही पूजा पाठ शुरू किया। कहते हैं सुबह सुबह इस महिला पुजारी के शंखनाद से पूरे ढोलकाल शिखर पर आवाज गूंजती थी। आज भी इसी महिला के वंशज भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। कि एक मुत्ते नाम की एक महिला जो थी इस गणेश की पूजा करती थी, और जब वो शंख की फूकती थी अपने पूजा करने के बाद तो पूरा गांव जागता था। बस्तर के जानकार संजीव पचौरी बताते हैं कि इस प्रतिमा को दंतेवाड़ा क्षेत्र के रक्षक के रूप में पहाड़ की चोटी पर 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी शासकों ने स्थापित किया था। गणेश जी के आयुध रूप में हाथ में फरसा इसकी पुष्टि करता है। यही वजह है कि इसे नागवंशी शासकों ने इतनी ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया था। नागवंशी शासकों ने इस प्रतिमा का निर्माण कराते समय गणेश जी की प्रतिमा पर नाग को अंकित किया है। प्रतिमा अपना संतुलन बनाए रखे, इसलिए शिल्पकार ने जनेऊ में संकल का उपयोग किया है। यह एकमात्र प्रतिमा है जिनके हाथ में अपना टूटा हुआ दांत लिए हुए हैं वो। दूसरा, उनके पेट पर एक शेष नाक का होना और एक जनेऊ के बदले एक जंजीर का होना, ये एक विशेषता पैदा करता है कि इस तरह की जो मूर्ति है, जो विश्व में एकमात्र मूर्ति है और प्राचीन काल की है ये। भगवान गणेश की प्रतिमा इंद्रावती नदी के तलहटी में पाए जाने वाले पत्थरों से बनी है। इसे 2 वर्ग मीटर क्षेत्र में पहाड़ की चोटी पर स्थापित किया गया है। बैलाडीला पर्वत श्रृंखला की ये सबसे ऊंची चोटी है। इसकी बनावट और नक्काशी से पता चलता है कि 11वीं शताब्दी में भी इतनी उत्कृष्ट कलाकृति बनती थी। हर साल गर्मी के दिनों में इसी पर्वत के नीचे मौजूद फरसपाल गाँव में 3 दिन तक मेला लगता है। इस दौरान भगवान गणेश, परशुराम और स्थानीय देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हर साल गर्मी के दिनों में वहाँ 3 दिवसीय फरसपाल का मेला लगता है, जहाँ ढोलकल गणेश की, परशुराम जी की और स्थानीय देवी देवताओं की पूजा होती है। खास बात यह भी है कि ढोलकाल पर्वत के ऊपर स्थापित प्रतिमा के ऊपर कोई गुंबद नहीं बनाया गया है। नैसर्गिक रूप से मौजूद पहाड़ी के ऊपर इस प्रतिमा को देखने के लिए करीब 2.5 घंटे का सफर कर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद गणेश की प्रतिमा को देखने दुर्गम पहाड़ों और नालों को पार कर पहुंचा जा सकता है। यही वजह है कि यहां लोग कम ही आते हैं, आसपास के ग्रामीण ही पूजा अर्चना करते हैं। इस स्थल को और विकसित करने की जरूरत है। राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को ध्यान देना चाहिए ताकि इस दुर्लभ प्रतिमा को देखने के लिए प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकें। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।